सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब गाइस देखो, रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि क्यों आपको Ryzen 5 5600G APU नहीं लेना चाहिए। साथ ही आपके साथ मैंने कुछ बेटर ऑप्शन भी शेयर किए थे जो कि आपको स्टार्टिंग से ही Ryzen 5 5600G के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर गेमिंग एंड काफ़ी बेटर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड परफॉर्मेंस ऑफर करते हैं। बट यार देखो, तुम Ryzen 5 5600G के फ़ैन हो एंड तुमने मुझे कमेंट कर करके लिटरली पका ही दिया था कि भाई Ryzen 5 5600G काफ़ी पावरफुल APU है, बस आप हमें कम से कम बजट में उसके साथ एक गेमिंग पीसी बिल्ड सजेस्ट करो। वेल तो गाइस, आज की इस वीडियो में तुम्हें Ryzen 5 5600G के साथ ओनली 50,000 रुपीज के बजट में एक गेमिंग पीसी बिल्ड सजेस्ट करूंगा। और गाइस, वीडियो के एंड में तुम्हें एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, मतलब अगर तुम इस पीसी को ऑफलाइन जाके परचेज नहीं करना चाहते हो और ना ही तुम इस पीसी को अमेजोन से पार्ट्स खरीद के असेंबल करना चाहते हो, मतलब तुम्हें ओनली 50,000 रुपीज के बजट में ये पीसी घर बैठे ही मंगवाना है, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी टिप दूंगा जिसका यूज करके तुम इस पीसी को ओनली 50,000 रुपीज़ के बजट में घर बैठे ही परचेस कर पाओगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेलो गाइज, दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। सो लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। नाउ गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। तो यार देखो, लिटरली तुमने मुझे कमेंट कर करके पका ही दिया है कि भाई Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600G, Ryzen 5 5600G। तो इस पीसी बिल्ड में भी हम यूज करने वाले हैं Ryzen 5 5600G का। अब ये एक हेक्साकोर प्रोसेसर है, तो इसमें आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं। बात करें इसकी क्लॉक स्पीड्स की, तो इसमें आपको 3.9 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक स्पीड एंड 4.4 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक स्पीड मिल जाती है। एंड ये एक अनलॉक्ड प्रोसेसर है, तो अगर आप एक B450 या फिर B550 चिपसेट वाला मदरबोर्ड यूज करते हो एंड आप एक अच्छा सा सीपीयू कूलर यूज करते हो, जैसे कि लिक्विड सीपीयू कूलर्स आते हैं या फिर AIOs वगैरह आते हैं, तो आप इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। बात करें इस प्रोसेसर की TDP की, तो इसमें आपको 65 वॉट्स की TDP भी मिल जाती है और साथ इस प्रोसेसर में आपको 16 MB की L3 कैश भी मिल जाती है। नाउ गाइस, इस प्रोसेसर का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ये प्रोसेसर 22,000 रुपीस का Amazon पर ही सेल हो रहा था, और अगर तुम इस प्रोसेसर को ऑफलाइन मार्केट से परचेज करोगे तो ये प्रोसेसर ऑफलाइन मार्केट में तुम्हें बिलो 25,000 रुपीस मिल जाएगा। बट बात करूं अभी की अमेज़न प्राइस की, तो ये प्रोसेसर अभी तुम्हें अमेज़न पर 2,600-900 रुपीस का मिल जाएगा। और गाइस, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि ये प्रोसेसर एक APU है, तो इसमें तुम्हें वेगा 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। तो जिन लोगों को वेगा 7 के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें बता देता हूँ। अगर सुनने में देखोगे तो वेगा 7 Ryzen 3 3200G एंड Ryzen 5 3400G से भी कम ही लगता है, बिकॉज 3200G में आपको वेगा 8 एंड 3400G में तुम्हें वेगा 11 मिल जाता है। बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो Ryzen 5 5600G के वेगा 7 ग्राफिक्स हैं, वो इन दोनों ही प्रोसेसर से आपको काफ़ी बेटर गेमिंग करवा देते हैं। एंड बात करूँ इस प्रोसेसर की गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यार देखो, मैं तुम्हें ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो बताऊंगा नहीं, जो बिल्कुल लिटरली ये परफॉर्मेंस तुम्हें ऑफर करता है वही बताऊंगा। तो अगर तुम मॉडर्न डे AAA टाइटल्स खेलना चाहते हो इस पीसी में, जैसे कि साइबरपंक, फोर क्रैसिक्स एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, तो ये पीसी तुम्हें 720p लो टू मीडियम सेटिंग पर इन सभी गेम्स को इजीली प्ले करवा देगा एंड तुम्हें 30-40 FPS इजीली मिल जाएंगे। नाउ गाइस, बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो यार देखो, इस प्रोसेसर के साथ तुम कोई भी B450, A520 एंड B550 मदरबोर्ड का यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने इस पीसी में ASRock की तरफ से आने वाला ASRock B450 स्टील लेजेंड मदरबोर्ड का यूज़ किया है। अब ये मदरबोर्ड आपको 7700 रुपीज़ का ईजिली मिल जाएगा एंड अगर आप ऑफलाइन मार्केट में ट्राई करोगे तो ये मदरबोर्ड तुम्हें 7000 रुपीज़ का भी ईजिली मिल जाएगा। बात करें मदरबोर्ड की, तो इस मदरबोर्ड में तुम्हें 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं DDR4 मेमोरी को। साथ ही इस मदरबोर्ड में तुम अपनी रैम के साथ अपने प्रोसेसर को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। एंड गाइस, साथ ही इस मदरबोर्ड में तुम्हें 4+2 फेज का VRM सेक्शन भी मिल जाता है, जो कि इस बजट में काफ़ी डिसेंट है। और यार देखो, जो लोग RGB के शौकीन हैं, मतलब जिन्हें हर चीज़ में RGB चाहिए होती है, तो उन लोगों के लिए बोनस में इस मदरबोर्ड में तुम्हें RGB भी मिल जाती है। नाउ गाइस, बात कर लेते हैं रैम्स की। तो रैम में मैंने ADATA की तरफ से आने वाली ADATA MX-T30 DDR4 मेमोरी का यूज़ किया है। अब ये मेमोरी आती है 3200 MHz की क्लॉक स्पीड के साथ एंड इस पीसी में मैंने 8GB की 2 रैम स्टिक का यूज़ किया है। बात करें इन रैम के प्राइस की, तो ये रैम आपको अराउंड 5800 रुपीज़ की ईजिली मिल जाएंगी। और गाइस देखो, अगर मैं तुम्हारे साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मैं इन रैम को अराउंड 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूं। और बात करूं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में भी ये रैम काफ़ी अच्छी है एंड ईजिली ओवरक्लॉक भी हो जाती हैं। वैसे तो मैं एक A320 मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूं, बट उसमें भी हम अपनी रैम्स को ओवरक्लॉक तो कर ही सकते हैं एंड मैं इन रैम को 3200 MHz तक ओवरक्लॉक करके काफ़ी ईजिली यूज़ कर रहा हूं। नाउ लेट्स मूव ऑन द स्टोरेज। तो देखो, अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्टोरेज की, तो प्राइमरी स्टोरेज में मैंने इस पीसी में WD की ग्रीन 240GB की SSD का यूज़ किया है। और बात करूं इस SSD के प्राइस की, तो ये SSD तुम्हें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट में दोनों ही जगह पर अराउंड 2500 रुपीज़ की मिल जाएगी। बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की,
तो सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने 1 TB की HDD का यूज़ किया है जो कि आती है WD की तरफ से एंड ये HDD रन करती है 7200 RPM की स्पीड पर। बात करें इस HDD के प्राइस की तो ये HDD भी तुम्हें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में दोनों ही जगह पर 3000 रुपीज़ की इजिली मिल जाएगी। एंड गाइस अब फाइनली बात करते हैं PSU एंड कैबिनेट की। तो यार देखो PSU मैंने इस PC में कूलर मास्टर की तरफ से आने वाली कूलर मास्टर की MWE 550 वोल्ट की PSU का यूज़ किया है। वैसे तो अभी के लिए 550 वोल्ट की PSU इस PC के लिए ओवर के लिए, बट अगर तुम इन फ्यूचर इस PC में RTX 3060 Ti एंड RTX 3070 जैसे ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करते हो तो भी ये PC फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है। और गाइस देखो ये PSU आती है 80+ ब्रॉन्ज की रेटिंग के साथ, साथ इसमें तुम्हें ब्लैक फ्लैट केबल्स में मिल जाते हैं, तो एस्थेटिक्स वाइज एंड परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही तरीके से ये PSU इस PC के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बात करें इस PSU के प्राइस की तो अगर तुम इस PSU को ऑनलाइन मार्केट में या Amazon से परचेस करते हो तो ये PSU तुम्हें 4200 रुपीज़ की मिल जाएगी एंड ऑफलाइन मार्केट में तुम्हें 4000 रुपीज़ की भी इजीली मिल जाएगी। वैसे तो गाइस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केट में 200 रुपीज़ का ही फ़र्क है, पर यार देखो अगर तुम नोएडा या फिर गाज़ियाबाद में रहते हो तो 200 रुपीज़ में तुम्हारा नेहरू प्लेस जाने का किराया भी निकल जाता है। एंड अब फाइनली बात करते हैं अपने कैबिनेट की। तो यार देखो इस PC में मैंने एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंटी स्पोर्ट्स IS211TG बजट गेमिंग कैबिनेट का यूज़ किया है। अब इस कैबिनेट में तुम्हें टेम्पर्ड ग्लास, PSU शराउड, RGB स्ट्रिप्स एंड RGB फैन प्री इंस्टॉल्ड ही मिल जाते हैं। और बात करूँ इस कैबिनेट के प्राइस की तो ये कैबिनेट तुम्हें Amazon पर 3300 रुपीज़ का इजिली मिल जाएगा। नाउ गाइस बात करें इस कैबिनेट के एयर फ्लो की तो इस कैबिनेट के फ्रंट में तुम्हें एक मैश की विंडो मिल जाती है जो कि एयर इनटेक के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। नाउ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो एंड इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स ये कैबिनेट 3300 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में एक काफ़ी अच्छा बजट RGB गेमिंग कैबिनेट रहने वाला है। तो यार देखो इन सभी कंपोनेंट्स का यूज़ करके तुम इस PC को बिल्ड कर सकते हो। एंड बात करें इस PC की ओवरऑल कॉस्ट की तो ये PC तुम्हें अराउंड 53000 रुपीज़ का मिल जाएगा। एंड बात करूँ इस PC की गेमिंग परफॉर्मेंस की तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता ही चुका हूँ, ऑलरेडी मैं क्या तुम ही मुझे कमेंट में बता चुके हो यार, इतनी कमेंट आई है तुम्हारे, मैं पागल हो गया था इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मतलब इस वीडियो की जगह मैं कोई और वीडियो बनाने वाला था बट तुम्हारी कमेंट देख के मुझे पहले ये वीडियो बनानी पड़ी। तो देखो बात करूँ इस PC की गेमिंग परफॉर्मेंस की तो ये PC तुम्हें मॉडर्न डे AAA टाइटल्स में 720p लो टू मीडियम सेटिंग्स पर इजिली गेमिंग करवा देगा एंड सभी गेम्स में तुम्हें 30-40 FPS इजिली मिल जाएंगे। अब जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनके लिए एक बोनस टिप, वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इस PC को ओनली 50,000 रुपीज़ के बजट में ही घर बैठे ही परचेस कर पाओगे। तो देखो तुम इस PC को 50,000 रुपीज़ के बजट में परचेस करने के लिए बिटकार्ट की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ पर तुम ये सेम स्पेसिफिकेशन डालकर इस PC को 50,000 रुपीज़ के बजट में ही मंगवा सकते हो। एंड देखो यार बिटकार्ट पर मुझे जो एजरोक का स्टील लेजेंड B450 मदरबोर्ड है वो तो मिला नहीं, तो उसकी जगह मैंने MSI की तरफ से आने वाला MSI B450 Pro VDH Max मदरबोर्ड चूज़ कर लिया था। जो PDF है वो तुम्हें मैं दिखा दूंगा, यहाँ पर अभी तुम्हें PDF दिख रही होगी। एंड जो PC की ओवरऑल कॉस्ट थी वो भी अराउंड 50,000 रुपीज़ ही थी, तो तुम इस PC को 50,000 रुपीज़ में ही परचेस कर सकते हो एंड बिटकार्ट डिलीवरी चार्जेस भी नहीं लेता है। एंड गाइस देखो वैसे तो ये वीडियो बिटकार्ट की तरफ से बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, होती तो यार मज़ा ही आ जाता, वीडियो भी निकल जाती एंड पैसा भी आ जाता, पर क्या ही कर सकते हैं, इन फ्यूचर शायद हमें बिटकार्ट की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप मिलने लगे। नाउ देखो तुम इस PC को 50,000 रुपीज़ में ही बिटकार्ट से परचेस कर सकते हो। तो यार देखो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मतलब तुम क्या ही कर रहे हो, यहाँ तक वीडियो देख लियो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाओ यार, नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसे मार मार के रेड से ग्रे कर दो और सब्सक्राइब कर लो, और यार सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। एंड गाइस देखो अगर तुम इस वीडियो में दिखाए किसी भी कंपोनेंट को परचेस करना चाहते हो तो सभी कंपोनेंट्स की बेस्ट बाय लिंक तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर तुम किसी भी कंपोनेंट को परचेस कर सकते हो। और साथ ही अगर तुम मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें Amazon की लिंक मिल जाएगी, वहां से तुम कुछ भी परचेस कर सकते हो उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस दिस इज टोनी एंड यू आर वॉचिंग गैजेट बीट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।